इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे जे जे कपलिंग क्या होती है एंड इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जे जे मीन्स होता है एंगुलर मोमेंटम, और कपलिंग का मतलब होता है एक दूसरे को इंटरेक्ट करके, एक दूसरे को अफेक्ट करके एक नया एनर्जी लेवल बनाना या फिर एक नई क्वांटिटी फॉर्म करना, इसी को हम कहते हैं कपलिंग। तो यहाँ पर क्या है, एंगुलर मोमेंटम इंट्रैक्शन है और इसकी वजह से एक नया एनर्जी लेवल्स बन जाता है। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। और यहाँ पर खास बात यह है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इन स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन होता है। ये क्या होता है इसको हम अभी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे जो खास बात है वो ये है कि ये ऑलवेज वैलिड होती है फॉर हैवियर एटम्स, यानी कि ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उसी के लिए जे जे कपलिंग वैलिड होती है, क्योंकि एलिस कपलिंग उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ऐसा मान लेते हैं ये कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज़्यादा। इसका ये न्यूक्लियस होता है। अब इसके अंदर जो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी ऑर्बिट में मोशन करते हैं, और ये मोशन टू टाइप का होता है। एक तो होता है स्पिनिंग जो अपनी एक्सिस पर, और दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। और यहाँ पर ये ही कहा गया है स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। आप यहाँ पर देखेंगे स्पिनिंग को लिखते हैं एस से, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं कैप स्मॉल एल से, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर देखेंगे इसमें क्या होता है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है। इसका मतलब क्या होता है, यहां पर जो स्पिन होती है ये जो अपनी एक्सिस पर मोशन होता है, और दूसरा यहां पर होता है ये ऑर्बिटल मोशन जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एल से, ये दोनों क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को इंट्रैक्ट करके, एक दूसरे को इफेक्ट करके एक नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, दैट इज नोन एज जे इज इक्वल्स टू एल प्लस माइनस एस। यहां पर एल क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एस क्या होता है, स्पिन मोमेंटम। इसलिए क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट यानी कि स्पिन स्मॉल एस, ऑर्बिट मतलब एंगुलर मोमेंटम, दोनों इंट्रैक्ट कर गए, क्योंकि ये क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन का स्पिन और उसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंट्रैक्ट करने के बाद में एक नई क्वांटिटी दैट इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम जे फॉर्म करते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन और है, ये ई। अब ये भी अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसके पास भी क्या होगी, स्पिन होगी, और इसके पास भी क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। अगर इसको मैं वन मान लेता हूं तो यहां पर ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन। वैसे अगर इसको मैं टू मान लेता हूं तो ये हो जाएगा जे इज इक्वल्स टू एल टू प्लस माइनस एस टू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक ही एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन मोमेंटम को इंटरैक्ट करके अपना सिंपल इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम फॉर्म कर लेते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रॉन एल टू एस टू को इंटरैक्ट करके अपना एंगुलर मोमेंटम फॉर्म करते हैं। तो हैवियर एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी स्पिन मोमेंटम एंड ऑर्बिटल मोमेंटम को इंटरेक्ट करने के बाद में अपना इंडिविजुअल, अपना अलग एंगुलर मोमेंटम फॉर्म करते हैं, जे वन जे टू जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सभी ऐसा करते हैं, और इसी को हम कहते हैं जे जे कपलिंग। अब आप यहाँ पर देखते हैं ये जे वन ये जे टू, तो ये हो जाएगा कैपिटल जे इज इक्वल्स टू जे वन प्लस जे टू प्लस डॉट 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 इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, जिससे हम टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कपलिंग क्या होती है, जे वन जे टू के बीच में कपलिंग होती है। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से, जिससे आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। फॉर पी डी स्टेट, फॉर पी डी स्टेट, अब ये क्या होती है, तो हम जानते हैं यहाँ पर एल होता है एंगुलर मोमेंटम या फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू होती है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 डॉट, और कहाँ तक होती है, ये एन माइनस वन तक, जहाँ पर एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल क्या होता है, एक इंटीजर होता है 0, 1, 2, 3। अब यहाँ पर देखेंगे एल इज इक्वल्स टू जीरो को हम बोलते हैं स्मॉल एस स्टेट, एल इज इक्वल्स टू वन को बोलते हैं हम पी स्टेट, एल इजिकल्स टू टू को बोलते हैं हम डी स्टेट, एल इजिकल्स थ्री को बोलते हैं हम फोर स्टेट, एंड सो ऑन।
तो आप यहां पर देखेंगे हम बात कर रहे हैं पीडी स्टेट। पीडी स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, एल वन इज इक्वल्स टू वन किसके लिए, फॉर पी स्टेट, क्योंकि पी स्टेट के लिए एल की वैल्यू वन होती है। वैसे ही एल इज इक्वल्स टू टू हो जाएगा टू फॉर डी स्टेट, क्योंकि डी स्टेट के लिए ही एल की वैल्यू टू होती है। अगर एफ स्टेट की बात करेंगे तो यहां पर कितना जाएगा, एल इज इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा। लेकिन हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, वैसे अगर बात करते हैं एस वन इज इक्वल्स टू हो जाएगा वन बाई टू। स्पिन कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, हाफ होती है, अपनी एक्सिस पर ये हाफ मूव करता है, और इस तरीके से एल की वैल्यू ये हो सकती हैं। वैसे यहाँ पर लिख सकते हैं एस टू इज इक्वल्स टू वन बाई टू। अब देखेंगे हमारे पास में एल वन भी है एस वन भी है, हम जे वन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा जे वन इज इक्वल्स टू एल वन माइनस एस वन कोमा एल वन प्लस एस वन, यानी कि एल वन प्लस माइनस एस वन का मतलब क्या होता है, एल वन माइनस के एस वन, एल वन प्लस एस वन। जैसे ही इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, एल वन कितना है वन, एस वन कितना है वन बाई टू, तो ये आ जाएगा वन बाई टू और ये आ जाएगा थ्री बाई टू। इसका मतलब जे वन की दो वैल्यूज होंगी, जे टू की सॉरी, जे वन की दो वैल्यूज होंगी वन बाई टू एंड थ्री बाई टू। वैसे अगर बात करते हैं किसके लिए, फॉर पी स्टेट, फॉर पी स्टेट। वैसे अगर फॉर डी स्टेट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जे टू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एल टू माइनस एस टू कोमा एल टू प्लस एस टू। अब हमारे पास में दोनों वैल्यूज हैं, L2 कितना है यहाँ पर 2 है और S2 कितना है 1 बाई टू, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 बाई टू और यहाँ पर आ जाएगा ये 5 बाई टू। L2 कितना है यहाँ पर 2, S2 कितना है 1 बाई टू, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 1 बाई टू, 2 प्लस 1 बाई टू, तो ये आ जाएगा 5 बाई टू और ये आ जाएगा 3 बाई टू, वही हमने पुट किया है। अब हमारे पास में J2 की भी कितनी वैल्यूज हैं, दो वैल्यूज हैं। अब J1 J2 फिर से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और जैसे ही इंटरैक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। तो यहाँ पर जैसे ही इंटरैक्शन होगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा, J1 की ये 1 बाई टू ये 3 बाई टू से इंटरैक्शन करेगा, तो पहला कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 बाई टू कोमा 3 बाई टू, दूसरा हो जाएगा 1 बाई टू 5 बाई टू से, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा 1 बाई टू कोमा 5 बाई टू। यानी कि J1 J2 फिर से क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, ये दोनों वैल्यूज इन दोनों वैल्यूज से इंटरैक्ट करेंगी। वैसे अगर बात करते हैं तीसरा हो जाएगा 3 बाई टू कोमा 3 बाई टू, यानी कि ये वाला इस वाली से इंटरेक्शन करेगा, और लास्ट हो जाएगा 3 बाई टू कोमा 5 बाई टू। तो यहाँ पर फोर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, दो ये थे दो ये थे, इसके मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तो इसके फोर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से इंटरेक्शन होगा, इसका मतलब क्या होगा, J1 J2 फोर एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट होगा ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। आइए देखते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डायग्राम। ऐसा मान लेते हैं ये पीडी स्टेट थी, कैसे थी, पीडी स्टेट। अब जैसे ही इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स डिवाइड हो जाते हैं इस तरीके से, कितने हो गए चार, तो ये किसकी पे ऐसा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 बाई टू कोमा 3 बाई टू, ये दूसरा वाला ये हो जाएगा 1 बाई टू कोमा 5 बाई टू। वैसे इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पर बीच में होता है ये इस तरीके से 4p 4d। वैसे अगर इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 बाई टू कोमा 3 बाई टू। वैसे अगर इसकी बात करते हैं तो हो जाएगा 3 बाई टू कोमा 5 बाई टू। तो यहाँ पर ये चार कॉम्बिनेशन हुए। अब ये इंटरेक्शन किसकी वजह से हुआ है, तो ये हुआ है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, और वापस से ये एनर्जी लेवल्स फिर से क्या होते हैं, ये वापस से स्प्लिट होते हैं। अब कितने होते हैं, तो हम जानते हैं जे कितना होता है, जे वन प्लस जे टू, और यहाँ पर भी क्या होता है, प्लस माइनस होता है। अगर इस जे की वैल्यू की बात करते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है मैग्नीट्यूड, तो ये होता है जे जे प्लस वन इंटू एच क्रॉस, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे ही यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक बार इसको ऐड करेंगे एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे,
तो 1 बाई 2, 3 बाई 2, अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, तो ये एनर्जी लेवल 2 में डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, इसकी अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कोमा, और ये हो जाएगा 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। इसका मतलब ये वापस से इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद में हमको क्या मिलता है, 1 2 2 में। वैसे अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी 2 लेवल में डिवाइड हो जाएगा, एक बार ये ऐड करेंगे एक बार ये सबट्रैक्ट, तो 1 बाई 2 और 5 बाई 2, तो देखेंगे 1 बाई 2 माइनस 5 बाई 2। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 2, माइनस छोड़ देंगे। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 6 यानी कि 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3। तो ये वाला एनर्जी लेवल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा, ये वाला एनर्जी लेवल 2 पार्ट्स में स्प्लिट होगा। वैसे ही अगर इसकी बात करते हैं तो देखेंगे 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 कितना हो जाएगा, 0, तो इसकी पहली वैल्यू तो आ जाएगी 0। अगर दूसरी की बात करते हैं 3 बाई 2 प्लस 3 बाई 2, एलसीएम कितना हो गया, 2, और कितना हो जाएगा ये 6 यानी कि 3। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 0 और यहाँ पर ये 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ये 1 2 3, यानी कि ये वाला एनर्जी लेवल 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। क्योंकि जे की बात करते हैं, जे क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और उनके बीच में ऑलवेज एक का डिफरेंस होता है। यानी कि मान लो अगर कहीं पर यह लिखा है 0,2, तो इसका मतलब क्या है, हमको लिखना पड़ेगा 0,1,2, ये 1 एग्जिस्ट करेगा, सबके बीच में ऑलवेज एक का डिफरेंस होता है। तो देखेंगे मिनिमम पे कितना आ रहा था, 0, 3/2 माइनस 3/2 मतलब 0, मैक्सिमम कितना आ गया, 3/2, 3/2 मतलब 3 आ गया, तो इसके बीच में 2 हमको बनाने पड़े, क्योंकि ऑलवेज 2 एनर्जी लेवल के बीच में डिफरेंस एक का होता है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 4। वैसे अगर इसकी बात करते हैं तो देखेंगे ये कितना है, चेक कर लेते हैं, 5/2 माइनस कितना हो जाएगा ये 3/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, और कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 2/2 यानी कि 1। तो मिनिमम तो हो गया 1, अगर मैक्सिमम की बात करते हैं 5/2 प्लस 3/2, 2 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 8 मतलब 4। अब देखेंगे यहाँ पर आ गया ये 4, इसका मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर ये 3। तो आप यहां पर देख सकते हैं जो ये वाले एनर्जी लेवल्स थे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए, 1 2 2 3, लेकिन ये 4 4 पार्ट्स में हुए। कैसे पता लगा, यहां पर मिनिमम कितना आ रहा है 1, मैक्सिमम कितना आ रहा है 4, तो जब भी 1 4 आता है तो बीच वाले एनर्जी लेवल्स ऑटोमेटिक एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, एक का होता है। तो यहां पर था, ये था स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन की वजह से, ये क्या था, स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन हाई होने की वजह से ये एनर्जी लेवल स्प्लिट हुए थे। लेकिन जैसे ही बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से ये एनर्जी लेवल क्या होते हैं, फिर से स्प्लिट्स होते हैं, और हमको क्या मिलता है, 1 2 2 3, 1 0 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है। तो मुझे उम्मीद है आपको जे जे कपलिंग इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ पर क्या हो रहा है। देखेंगे यहाँ पर केवल सिंगल स्टेट थी, ड्यू टू इंट्रैक्शन ये 4 एनर्जी लेवल में स्प्लिट हुआ, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन। अब ये एनर्जी लेवल्स फर्दर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन फिर से डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट्स हुए। ऐसा क्यों हुआ, एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है, ये जो एनर्जीज होती हैं, मोमेंटम होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसकी वजह से ये एनर्जी लेवल्स हमको फाइंड आउट होते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।